हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है। राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे ही हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्लासीफाई करते हैं। देखिए कैसे क्लासीफाई किया गया इनको। आइडियल सॉल्यूशंस व्हिच ओबेस राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ऐसे सॉल्यूशंस जो हर एक कंसंट्रेशन, हर एक टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, जो हर एक टेम्परेचर, हर एक कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करें। कुछ पे करते हैं, सारी कंसंट्रेशन है, हर एक टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करें, उन्हें बोला जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बट इनको एक डिफाइन कैरेक्टर से भी इनको डिफरेंशिएट करा जाता है कि आइडियल सॉल्यूशन कैसे और नॉन आइडियल कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज डिफाइन कैरेक्टर में जो हम वेपर प्रेशर पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ से, जो वेपर प्रेशर पढ़ते हैं PA = P0A xA, वो बिल्कुल एग्जैक्ट आता है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। मीनिंग कि आपने जो राउल्ट्स लॉ से पार्शियल प्रेशर निकाला सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, वो सही आएगा फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर जो ये इक्वेशन है ये वैलिड नहीं रहती। यानी कि जो आपने राउल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर कैलकुलेट करा है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में गलत है, ठीक है। मतलब आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली उसकी। तो पहला पॉइंट हो जाता है कि वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन में सही आता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर इसमें गलत आता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कि इनमें इंटरेक्शंस कैसी हैं, ठीक है। तो देखो हम मान के चलते हैं, सपोज करो सॉल्यूट है A और ये सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन दिखा रखी है, ठीक है। ये है सॉल्यूट और B है सॉल्वेंट। और जब A और B को हमने मिक्स करा, जब A और B को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया तो क्या बनेगा, ये इंटरेक्शन नहीं आ जाएंगी उसके अंदर। देखिए जब सॉल्यूट अकेला है तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट से ही जुड़े हुए हैं आपस में, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से जुड़े हुए हैं। जब अकेला सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन कब बनता है, सॉल्यूशन तब बनेगा जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से इंटरेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ उनके बीच में फोर्स होगा, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर जो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में फोर्स होता है ये इक्वल होता है सॉल्यूशन के। मतलब कि सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, वो इक्वल है जो सॉल्यूशन में इंटरेक्शन है। यानी कि इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। जैसे A A से इंटरेक्ट कर रहा है, B B से इंटरेक्ट कर रहा है, वैसे ही A B से इंटरेक्ट करेगा। उनकी जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हम बोले, जो फोर्स है बीच में, वो सेम है, ठीक है। बट अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करें, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में जो इंटरेक्शन है सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, वो इक्वल नहीं होती सॉल्यूशन की। मतलब सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन है वो अलग है कुछ, ठीक है ना, उतनी नहीं है, या तो कम है या ज्यादा है, कुछ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट इक्वल नहीं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है। थर्ड, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का मीनिंग, जब आपने A को B में मिक्स करा और सॉल्यूशन बन गया AB, तो देयर इज नो एनर्जी चेंज। मतलब जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करा और सॉल्यूशन बना लिया तो एनर्जी चेंज 0 है। ना तो आपको एनर्जी देनी पड़ी सिस्टम को, ना सिस्टम से एनर्जी निकली जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करा, ठीक है ना। ना आपको एनर्जी देनी पड़ी ना एनर्जी निकली। तो हम क्या बोलते हैं, डेल्टा मिक्स H इज इक्वल टू 0, चेंज इन एंथैल्पी इज 0, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नॉन आइडियल में देखें, डेल्टा मिक्स एंथैल्पी इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया तो या तो हमें एनर्जी देनी पड़ी या सिस्टम से एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, यानी कि जो मिक्सिंग पे एंथैल्पी की चेंज है वो जीरो नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ है डेल्टा मिक्स वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग देखिए, डेल्टा मिक्स वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आपने जब ए को बी में मिक्स करा तो सॉल्यूशन बना ए बी, ठीक है। तो वॉल्यूम ए प्लस वॉल्यूम बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ए बी, यानी कि देयर इज नो वॉल्यूम चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 20 ml सॉल्यूट डिसॉल्व करा है 100 ml सॉल्वेंट में तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा 120 ml का, मतलब एग्जैक्ट कोई भी एनर्जी, कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। फाइनल इनिशियल स्टेट में जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी, ठीक है। बट अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा मिक्स वॉल्यूम ये जीरो के इक्वल नहीं है, या तो आपको कुछ वॉल्यूम कम मिलेगी या कुछ ज़्यादा मिलेगी। जैसे आपने 20 ml सॉल्यूट को आपने ऐड करा 100 ml सॉल्वेंट में, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 120 ml ही मिले, ये ज़्यादा भी मिल सकती है, ये कम भी मिल सकती है। मैथ नहीं लगा यहाँ पे कि इक्वल ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाता है तो सॉल्वेंट के बीच में कुछ वैकेंट स्पेस होते हैं, उसमें सॉल्यूट आता है या उनकी इंटरेक्शन कुछ वीक हो जाती है जिससे वॉल्यूम बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में। अब एक बार ना ये वॉल्यूम वाला जो हमने फैक्टर पढ़ा है इसको अगर हम इंटरेक्शन से रिलेट करके देखें तो देखना कैसा आपको समझ में आएगी चीज़। देखिए हमने क्या बोला था कि इंटरेक्शन जो है AA में BB में इक्वल है किसके, AB, ठीक है। यानी कि सपोज करो AA के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में डिस्टेंस ये है, ठीक है, इतने इतने पास हैं, BB के भी इतने पास हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इंटरेक्शन डिपेंड करता है कि कितना एटम जो है वो पास है आपके, ठीक है, जितना एटम जो है वो पास होगा उतनी अच्छी इंटरेक्शन है। तो हमने ये इंटरेक्शन ले लिया अभी कि इतना इतने दूर दूर पे पड़े, इसको हम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं, 1 पिकोमीटर बोल देते हैं, इतने इनके बीच में डिस्टेंस है, 2 एटम के बीच में, 2 पार्टिकल्स के बीच में। तो जब सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन के बीच में जो पार्टिकल्स आए हैं उनमें भी सेम गैप है 1 पिकोमीटर, यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सेम है तो वॉल्यूम चेंज होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं सकती जब मॉलिक्यूल के बीच में गैप सेम है। या तो सॉल्यूशन में ऐसा हो कि मॉलिक्यूल के बीच में गैप जो है वो बढ़ जाए, इस टाइप से वो बढ़ जाए इतना, वो 2 पिकोमीटर हो जाए। अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से 2 गुना दूर खड़ा है तो वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। या ऐसा हो जाए कि वो पास आ जाए बहुत ज़्यादा, 0.5 पिकोमीटर हो जाए, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास आ गए, अब पास पास आने से क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें इंटरेक्शन बिल्कुल सेम मिलती है, इसका मतलब कि मॉलिक्यूल सेम डिस्टेंस पे हैं, और अगर सेम डिस्टेंस पे होंगे तो ये चीज़ तो अपने आप ही प्रूव्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ रिलेट करके देखो, यहाँ पे हमने बोला इंटरेक्शन जो है वो इक्वल नहीं है। अगर इंटरेक्शन इक्वल नहीं है, या तो मॉलिक्यूल ज़्यादा पास में आ जाएंगे सॉल्यूशन में या आप दूर चले जाएंगे। जब मॉलिक्यूल पास आ गए तो क्या होगा, वॉल्यूम घट गई, जब मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए सॉल्यूशन में तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो इस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये 4 कैरेक्टर हैं जो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं कि क्या आइडियल सॉल्यूशन है एंड क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सो अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअली में कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता, हम बोलते हैं वो नियर अबाउट आइडियल होते हैं, बट आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे हो गया बेंजीन एंड टोल्यूइन, ये आइडियल सॉल्यूशन की तरफ वर्क करेंगे। मतलब बहुत ही ये बोल सकते हैं आइडियल के बहुत ही करीब है, बिल्कुल आइडियल नहीं, आइडियल के बहुत ही करीब है। तो ये उसका एग्जांपल हो जाएगा। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हो गया NaCl प्लस वाटर, ठीक है। सो ये होते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन।